पंचायत चुनाव अपने आप में एक बहुत ही कटथ्रोट कंपटीशन का चुनाव होता है और सारे बूथ हम लोग समन्वय मांग के इसमें चलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है लोकसभा विधानसभा के रूप में कि हम लोग उसी हिसाब से CPM पर उसको डिप्लॉय करते हैं। फोर्स ऑफ क्वालिटी एक है, लेकिन हम लोग के लिए एक एक बूथ इसमें सेंसिटिव रहेगा, इसलिए मैनिंग हर जगह पर हम लोग एक पुख्ता रूप से करेंगे। और जेल से अभी हम लोगों ने 12 लोगों को शिफ्ट करने का वायद किया है और लगभग वो शिफ्ट हो भी गए हैं, जहाँ तक मेरी अभी अद्यतन जानकारी है। जो कुख्यात अपराधकर्मी है उन लोगों को हम लोग 12 लोगों को यहाँ से जेल ट्रांसफर किया है, दूसरे जेल में उनको भेजा है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर सर हथियार रिएक्शन के लिए और कहीं भी ऐसा कोई विघ्न फैलाने का प्रयास करता है तो उन लोगों के ऊपर तुरंत रिएक्शन कार्रवाई करने के लिए जो बाउंड डाउन हम लोग करा रहे हैं उसी करीब में हम लोग एक कार्रवाई ये भी करा रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों की सूची संधारित कर रहे हैं और वो पिन पॉइंट सूची होगी, वो वैसे लोग होंगे जिनको कि हम लोग 151 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा है CRPC में, जिसमें कि पुलिस किसी शक शुबा पर 24 घंटे के लिए उसको हिरासत में लेकर रख सकती है और अगर उस सत्यापन के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता तो उसको छोड़ सकते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग प्रीवियस नाइट में उठाएंगे, भी डिटेन करेंगे ताकि वो लोग चुनाव के दिन किसी तरह की बाधा या सैबोटाज करने में सफल ना हो पाए। सर, संवेदनशील और फर्स्ट फेज में हम लोग यहाँ नहीं है, उसके बाद से बाकी 10 फेजेज में हम लोग यहाँ चुनाव होगा और ब्लॉक वाइज में सूची भी निर्धारित हो गई है। हमने और DM साहब ने हम लोगों ने मिलकर एक बैठक भी कर ली है सभी लोगों के साथ और इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और सभी SDO DSPs BDO CEOs और SHOs को निर्देश दिया गया है कि हम लोग हर पंचायत में मिनिमम 10 लोगों को हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे, उनकी कार्यकलाप को देखते हुए किस तरीके से लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और बाउंड डाउन 107 से अगला स्टेप होता है, सिर्फ 107 से इस चुनाव में कार्य संभव नहीं हो पाता है और हैवी पेनल्टी के रूप में बाउंड डाउन कराएंगे अगर कि उनके द्वारा ब्रीच ऑफ पीस किया जाता है तो बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनकी बाउंड की पैसा को जब्त किया जा सके। ये हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। दूसरा है कि एक अभियान हम लोग चलाएंगे अब खास करके वैसे केसेस जिससे कि चुनावी क्रियाकलाप पर असर पड़ने की संभावना होती है, खास करके वो हत्या होता है 307 होता है, मार झड़ा केसेस जो होंगे 300 जिसमें कि आपके गांव में दो पक्षों में मारपीट हो जाती है या SC ST के केस है उन क्षेत्रों में, इसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेके इस सब केसेस को गिरफ्तारी कराएंगे ताकि ऐसी प्रवृत्ति से लोग बचें और इस तरह के मार झड़ा में इन्वॉल्व ना हो अगले एक माह तक। ये बेसिकली ये ड्राइव चलेगा उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे चुनाव होने वाला है और इसके अलावा हम लोग उन क्षेत्रों में शराबबंदी के खिलाफ अभियान में भी अब तीव्रता लाएंगे, खास करके जो चुलाई वाले शराब की सूचना मिलती है और इंग्लिश शराब का जो स्मगलिंग होता है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा हम लोग एक रिव्यू तैयार कर रहे हैं और हम लोग प्रत्येक फेज़ के थानों में जाकर एक बैठक होगी सभी BDOs के साथ, CEOs के साथ, SHOs के साथ और इसका रिव्यू होगा कि 24 तारीख से जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है तब से कितने लोगों के पर बाउंड डाउन हो गया, कितना हथियार जमा करा लिया गया, कितना गिरफ्तारी हुआ इन हेड्स में, तो एक ओवरऑल माहौल निर्माण की बात है। और प्रत्येक फेज़ के लिए हम लोग अलग अलग तिथि में जाएंगे, एक बार में मीटिंग नहीं होगी तो अब 10 बार मीटिंग क्षेत्रों में होगी और बेसिकली रिव्यू मीटिंग होगी। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है तो डिप्लॉयमेंट का एक स्टिपुलेटेड गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन का क्लियर कट मानक है, उसके आधार पर हम लोग सभी बूथ पे बिल्डिंग्स पे डिप्लॉयमेंट करते हैं और इसमें सेंट्रल फोर्सेस नहीं आते हैं, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट फोर्स और BMP और होमगार्ड से हम लोग उसका क्रियान्वयन कराते हैं और पर्याप्त मात्रा में हम लोग बल देंगे। पटना जिला का बल पटना जिला में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 में चुनाव है। उसके अतिरिक्त हम लोग जो सेक्टर बनाएंगे इसमें सेक्टर में थाना प्रभारी स्तर के पदाधिकारी रहेंगे, सेक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और इसमें कोई सब इंस्पेक्टर नहीं रहेगा, जो सब इंस्पेक्टर रहेगा वो थाना मैन करने वाला एक व्यक्ति हो क्योंकि सेक्टर की बहुत गंभीर भूमिका इसमें है। और इसके अलावा हम लोग प्रत्येक फेज़ में प्रत्येक पंचायत ब्लॉक के चुनाव में 50 मोटरसाइकिल की टीम हम लोग